वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 9 और मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं जा रही हूँ। हम आज वट सावित्री का व्रत है हम लोग का, तो पूजा करने के लिए जा रही हूँ। इतनी ज्यादा यहाँ गर्मी हो रही है कि मेरे को ना बड़ी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, जिसकी वजह से कुछ भी मेकअप वगैरह किया नहीं है, हेयर वॉश कर लिया है और बस अभी हम लोग रेडी हैं, बस अभी हम निकलेंगे। और धूप भी बहुत ज्यादा हो गई, 9 ही बजे हैं, उसके बाद भी ऐसे लग रहा है कितनी ज्यादा धूप हो गई है। तो बस अभी आप देख सकते हो मैंने ये वाला सूट डाला हुआ है, बस अब यहाँ तो सूट ही चलेगा। और चलिए फिर तो चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। और आज का वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो में बने रहें। सो गाइज, यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, और चाय इसलिए बन रही है क्योंकि ना शायद से कोई आया हुआ था, तो उसके लिए। बाकी अभी हम लोग की पूजा वगैरह तो हुई नहीं है। और ये आप देख सकते हो कि जब भी दिशु वीडियो को शूट करती ना, बिल्कुल भद्दे तरीके से करती है, ये कभी भी अच्छे से नहीं करती। इसका ये रहता है, या तो कैमरा बहुत ज्यादा मूव करेगी, या तो हिलाएगी, या यहाँ वहां करेगी, इसका ऐसे ही रहता है। बट फिर भी अब ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, अदरवाइज ना ये शूट भी नहीं करती है। सो इसीलिए काम चलाना पड़ता है, क्योंकि वीडियो शूट भी तो करानी है, बच्चों को थोड़ा पटाके भी रखना पड़ता है। सो बस यहाँ पर मेरी बन गई है चाय, अभी कोई आया हुआ था शायद उनके लिए। हाँ, पंडित जी आए हुए थे, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होना है, तो उसके लिए आए हुए हैं, क्योंकि भागवत स्टार्ट होनी है, तो इसी वजह से। गाइज, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पूजा करने, और बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रखी है, आप देख सकते हो बिल्कुल जंगल है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। अंधेरा तो नहीं, मतलब है तो दिन ही, लेकिन है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ है वो बहुत ही छोटा है, और एक और आगे है, तो लोग वहाँ पर गए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है, इसलिए हम वहाँ जा नहीं रहे हैं, हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। सो ये आप देख सकते हो इतने छोटे से ये पेड़ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ पे वट सावित्री व्रत कथा हमें करनी है, मतलब वट का पेड़ है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, मैं और मेरी चाची। एक्चुअली अगर थोड़ी सी भी वॉइस एक्स्ट्रा आए ना, बैकग्राउंड नॉइज आए, तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं गांव में आई हुई हूँ ना, और यहाँ पर वॉइस ओवर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, क्योंकि ना बच्चे हैं, तो इसीलिए शोर मचाते ही रहते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, मैं और चाची। ये पिंक कलर का मैंने सूट वेयर किया हुआ था, और थोड़ा सा मैंने फ्रंट कैमरे से भी शूट करने का ट्राई किया है, कि क्या पता आप लोग साथ में कुछ अच्छे से सीन शेयर कर पाऊँ। सो बस यहाँ पर हम लोग देंगे फेरी, और ऐसे होता है ना कि इसमें भी अगर हम 12 बार इसको फेरे लेने होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने स्पीड तेज कर दी है, और बहुत सारी लेडीज़ थी इस दिन, तो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे जो लेडीज़ होती हैं फास्ट रखती हैं, सो इसीलिए भीड़ रहती है, और करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने किया है, और बस फाइनली अब हमारी पूजा हो गई थी, और लास्ट में ही करते हैं, बस ये फेरे वाला जो काम होता है ना, ये सबसे लास्ट का ही रहता है। सो कोई नहीं, जो भी था अच्छे से हो गया। और लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, धूप और गर्मी से ना काफ़ी ज़्यादा हालत हमारी हो रही थी ख़राब। तो गाइज, ये है हमारी कुल देवी हमारे गांव में, मतलब, और बहुत ही ज्यादा मान्यता है इनकी हमारे गांव में। जब से इनकी मूर्ति विराजमान हुई है, माता रानी विराजमान हुई है, तब से हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आई है कभी भी,
और ये इनका बहुत ही प्यारा मंदिर सब लोगों ने मिलके गांव के लोगों ने पैसे वगैरह इकट्ठे करके और बनवाए हैं, ये आप देख सकते हो। और हम लोगों की पूरी आस्था हमारे घर की, हमारे पूरे गांव की इनसे बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, पूजा वगैरह हो गई और आपने हमारा कुलदेवी का मंदिर भी देख लिया है। और यहाँ पर आने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा नींबू पानी वगैरह पियेंगे, क्योंकि ना ऐसे अब गर्मी में तो वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। फास्ट अपनी जगह और ये सब चीज़ें भी अपनी जगह हैं। और बस अभी फिर उसके बाद मैं सो गई थी, सोकर उठने के बाद शाम को, क्योंकि भागवत है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे यज्ञशाला बनाई जाती है, जहाँ पर बैठ के पूरा मंडप वगैरह गढ़ता है और जो पंडित गुरुजी होते हैं वो भागवत सुनाते हैं और वहाँ पे भागवत की वो रखी जाती है किताब वगैरह जो भी होती है। उसी के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ये कांस होती है, कांस का ये मंडप बनाया जाता है खोलने का, तो उसी का ये प्रिपरेशन। थोड़ा और पानी डालो के लिए, ठंडा पानी नहीं है, नहीं बिल्कुल ठंडा रहता ना तो बिल्कुल बर्फ जैसे ऐसे उठाता तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। कौन सी आइसक्रीम? आइसक्रीम नहीं है वो, मक्खन है, ले लो आके ले लो ना उसको। अच्छा आइसक्रीम कौन सी है यार, ये सब यहाँ नमकीन वमकीन रख दी, मेरा व्रत भी है। टीवी के बगैर कहीं ऐसा ना मेरे को ध्यान न रहे और मैं आके फाड़ के खा लूं। सुन रही है दीशु को ये काम दे दिया गया है गाइस कि तुम्हें सारी बॉटल्स फिल करनी है, जो कि वो कर रही है। और थोड़ी देर में ना नानी सो फ्रेंड फाइनली यज्ञशाला हमारी गढ़ चुकी है और बस इसके बाद अब जो भी लोग आए हुए थे तो उनके लिए चाय नाश्ते की का अरेंजमेंट हो रहा है। सो उसके लिए मैं चाय बना रही हूँ और बस अब यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का करूंगी एंड। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। सो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल।